नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई दुबई के बारे में, फ्लाइट के बारे में। जी हाँ, 15 जुलाई, 21 जुलाई, 25 जुलाई, 28 जुलाई, 31 जुलाई, 2 अगस्त, 8 अगस्त और अभी टिक गया मामला 10 अगस्त पे जाके। क्यों हो गई, बल्ले बल्ले हो, राजी हो ना, खुश हो ना भाई। जो दुबई जाने वाले लोग हैं उनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। हद हो गई भाई, इतना मतलब इतना झूठ तो है ना, छोटा बच्चा होता ना मासूम, वो भी नहीं बोलता। इतनी दुबई सरकार बेवकूफ बना रही है, हद हो गई भाई। पूरी डिटेल से बात करेंगे, पूरी मतलब लोगों को एक फर्जी वेबसाइट के बारे में भी काफ़ी सारे लोगों ने ठगी कर ली, उसके बारे में हम बात करेंगे, फ्लाइट के बारे में बात करेंगे, कतर से होके जाते हैं तो क्या आपका प्रोसेस है, थर्ड कंट्री के बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। पूरा देखिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको भी इससे रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दुबई की शायद तीन फ्लाइटें हैं भाई, दो का तो मुझे नाम याद है, इमरेट्स एयरलाइन और एहतियात। इतना बेवकूफ और फुद्दू समझ रखा है इन कंट्रियों के लोगों को, आप लोगों को, कि वो बिना ही मतलब में, वो एक डायलॉग कौन सा है यार, गैर बारात में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा कुछ एक डायलॉग सुना होगा आपने। यानी सरकार जो फ्लाइट चालू करने वाली है, ये फ्लाइटों के जो मैन हेड होके बैठे हैं, ये अपने आप अपडेट देते जा रहे हैं यार। इनको पूछिए, कोई पूछने वाला हो कि भाई सरकार आपको बोलती है क्या कि ऐसे लोगों को चूतिया बनाते रहो, दो दिन का नाम लेके, चार दिन का नाम लेके, छः दिन का नाम लेके, भाई क्या मतलब होता है। इन फ्लाइटों वालों से कोई पूछना चाहे कि भाई आपको अपडेट कौन देता है इस बातों का। फिर अभी आप आज की अगर लेटेस्ट बात करें 29 जुलाई की, तो आज ये बोलते हैं कि हमारे पास फर्दर नोटिस आ गया है जी, जब तक सरकार नहीं बोलेगी, जीसीसी नहीं बोलेगा, तब तक हम आगे हम अपडेट नहीं देंगे। अरे भाई, कौन न्योता देता है आपको अपडेट देने का। फुद्दू बनाने से तो बढ़िया है कि आप स्टॉप ही रहो ना, अपना मुंह बंद कर लो, अच्छा रहेगा ना, ताकि जनता लोग परेशान तो नहीं हो, झूठी टिकटें तो बुक नहीं करवाएं, लाखों रुपए की टिकटें बुक हो रही हैं नॉट रिफंडेबल, वो भी आप लोग दे रहे हैं, हद हो गई भाई। अभी मैटर को डाल दिया 10 अगस्त पर, अब 10 अगस्त तक बंदे बैठे रहेंगे आराम से, शांति माहौल से। 10 अगस्त के पहले देख लेना, 5 अगस्त के लगभग और अपडेट आ जाएंगे, 15 अगस्त डाल देंगे, फिर वही प्रोसेस जो पिछले 3.5 महीने से चल रहा है वही आने वाला है। और कहीं ये नहीं हो कि एक्सपो से पहले आपको ये पहुँचा ही नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि एक्सपो अक्टूबर में आ जाएगा, फिर टाइम कितना बचा भाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, फिर अक्टूबर के बाद में अगर एक्सपो तक नहीं लेके जाते हैं तो फिर मतलब क्या हो जाए आपको लिए, फिर तो 6 महीने एक्सपो चलेगा मार्च 2022 तक, तो ये मतलब लगता है कि उम्मीद ही छोड़ दें फिर इनके हिसाब से, तो यही हो गया ना फिर। मतलब यार वो है ना, वो थोड़ा थोड़ा जहर दे के बंदों को मारने वाली स्टाइल हो गई, वरना क्लियर बोलते भाई 2 महीने फ्लाइटें सस्पेंड हैं, आप अपने काम पर लग जाओ। हमारे राजस्थान में तो राजस्थानी लोग समझते चौमासा आ रहा है भाई, खेतों में काम करो, अच्छा कम से कम थोड़ा बहुत तो वहाँ से तो मिलेगा, फ्लाइटों के चक्कर में बैठे हैं बेचारे, ब्याज पे पैसे ला ला के इंतजाम करके अकाउंट में डाल के बैठे हैं, 2 रुपये सैकड़ा से, 3 रुपये सैकड़ा से, लाख से 1.5 लाख रुपये जो लोग जाना चाहते हैं, 100% जिनके पास नहीं है वो 100% ब्याज पे उठा के लेके बैठे हैं कि कभी फ्लाइट चालू हो जाए तो हम फ्लाइट लेके, वैक्सीनेशन लेके, सब कुछ लेके तैयार बैठे जी, हमें कोई बुला तो लो। लेकिन भाई क्यों बुला लें, गवर्नमेंट सरकार बेवकूफ़ है क्या। दुबई का कंस्ट्रक्शन मैं बता दूं, 80% लोग आप कंस्ट्रक्शन में जाने वाले हो जहां तक मुझे लगता है, बाकी और भी जो काम आता है ना छोटा मोटा लेबर कैटेगरी का, वो उसी में रिलेटेड होता है। तो भाई दुबई में इतना तो दुबई है, कंस्ट्रक्शन होते कितने साल हो गए अभी, उनको कितनी इतनी कहाँ ज़रूरत है कि कंस्ट्रक्शन का काम होता रहे, ठीक है 2 साल बाद में कर लेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है ना उनके लिए। इंपॉर्टेंट है एक्सपो 2020, अरबों डॉलर पहुंचेंगे दुबई में, दुबई यूं बूम करेगा, अमेरिका को पीछे पछाड़ने की सोच रखी है भाई, वे सरकार ने अमेरिका को भी और यूके को पीछे पछाड़ने की सोच रखी है, सच्चाई की बात यह है। लेकिन वो खुद खोल के बताते नहीं है, क्योंकि बताते हैं तो वो हंसी मजाक वाली बात हो जाती है, समझ गए बात। हम बात करेंगे कुछ फेक लोग हैं, फेक पूरा सिस्टम, फेक जेन्युइन तरीके से फेक सिस्टम बना लिया, जैसे वो रोबोट पिक्चर देखी है आपने रजनीकांत वाली, उसको कितना रोबोट, सेम कंडीशन, फेक ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरा का पूरा, जैसे दुबई वे की वेबसाइट है या फ्लाइट की वेबसाइट है, सेम कॉपी कर ली, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए, अपना नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर डाल दिए जी, इसमें आप पैसा डाल दीजिए 1 लाख 1.5 लाख 1.75 लाख जो भी, ठीक है जी, और हम आपको पूरा डोज का सर्टिफिकेट, आपको PCR रिपोर्ट, हम आपको पूरा पहुंचाने का पूरा जुगाड़ कर देंगे जी, UAE में पहुंचा देंगे। और ये वेबसाइट पे लोग पता है फिर अंधे होके तुरंत पढ़ते हैं, एकदम जैसे वो कुत्ते पढ़ते हैं ना, झपटते हैं ना शिकार पे, सेम शेर शिकार पे झपटता है। वैसे काफ़ी लोगों ने भाई इस फेक वेबसाइट पे जाके पैसे भी दिए, पैसे दे दिए, उसके बाद में उनका कुछ नहीं हुआ, फिर ये बात पहुंची भी सरकार तक,
वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तक, तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने नोटिस जारी किया कि भाई हमारी तरफ से ऐसा कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है, कोई वेबसाइट नहीं दी गई है, ऐसी फेक वेबसाइट से सावधान रहने की आपको सख्त ज़रूरत है वरना आपका पैसा गया। समझ में आ रही है बातें? तो भाई देखिए होता क्या, अगर सरकार फ्लाइट चालू करती है यूएई सरकार की तरफ से, तो एक घंटे में 100% बता रहा हूँ, एक घंटे में पूरे वर्ल्ड में ये न्यूज़ पहुँच जाती है बच्चे बच्चे के पास कि भाई यूएई ने फ्लाइटें चालू कर दी है, क्योंकि जिनको जो ज़रूरत होती है ना उसकी नज़र उसी पे होती है। समझ गए बात को? अब आप लोगों की ज़रूरत है फ्लाइट, तो आप जैसे बाज की नज़र होती है ना शिकार पे, अवकाश में रहता है लेकिन नज़र उसकी ज़मीन पे होती है, सेम कंडीशन आपकी भी फ्लाइटों पे है। तो लेकिन ऐसी फेक न्यूज़ पे भी आपकी नज़र बिना मतलब में लोग बिना कहीं जानकारी इंक्वायरी लिए पैसे ठगवा लेते हैं, तो थोड़ा सावधान भरते हैं। भाई दूसरा मैसेज आप लोगों को ये देना था कि जो लोग कतर होके यूएई आना चाहते हैं उनके लिए खास तौर से बता दूं कि हर आदमी चाहता है पैसा कमाना। आप कतर होके लाख रुपए खर्च करके दुबई क्यों जाना चाहते हैं? पैसा कहाँ, हालांकि ठीक है आप 10-20-50-60 हज़ार रुपये कमाते हैं, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, उसमें गवर्नमेंट का भी नंबर आता है, कंट्री का भी नंबर आता है। कतर सरकार ने भी देख लिया कि भाई इतनी पब्लिक आ रही है, पैसा ये कम लेके आ रहे हैं, तो ये खर्चा कहाँ से करेंगे? क्योंकि ऑन अराइवल वीज़ा, कतर सरकार पैसे तो आपसे वीज़ा का लेती नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया जी आप यहाँ 14 दिन रुकोगे सबको तो क्वारंटाइन किया जाएगा, और बाकी आपकी जेब में 5,000 रियाल होनी चाहिए, कतरी रियाल। 5,000 रियाल का मतलब आप अगर 21 के भाव से चेंज करवाते हैं तो 21-22 का भाव मिलता है, 1,25,000 रुपए आपकी जेब में हैं तो आपको एंट्री मिलेगा। लगभग 40 से 45 लोगों को एयरपोर्ट से वापस इंडिया भेज दिया, इसका रीज़न ये था कि उनकी जेब में 5,000 कतरी रियाल नहीं थे। जी हाँ, हालांकि उनको 10-12 घंटे वहाँ पर रोका गया, उनमें से कुछ लोग जैसे तेज थे या फिर जिनके पास पैसों की व्यवस्था हो गया, गरीब बंदों के पास यार वही 1,00,000 रुपये के करीब ऐसी व्यवस्था करके आप वहाँ तक पहुँचे थे और उनके पास 1,00,000 रुपये की व्यवस्था नहीं हुई तो भाई उनको वापस कर दिया। बाकी जिनकी हो गई उन्होंने अपने अकाउंट में डलवाए, क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र करवाए, कैसे भी करवाए, और उनको चेक करवा दिया जी हमारा ATM है आप चेक कर लो इसमें पैसा पड़ा है। क्योंकि उनका कहना है कि आप 14 दिन यहाँ स्टे करोगे तो आप कैसे रह पाओगे, सर्वाइव कैसे करोगे? उनका भी बात सही है, उनको भी पता है भाई थर्ड कंट्री में जाना है तो पैसा है, पैसा हम भी तो कमाना चाहते हैं ना, हर गवर्नमेंट चाहती है पैसा कमाना। रोज़ अगर हज़ारों लोग जा रहे हैं दुबई के लिए, सऊदी के लिए, कतर के लिए, तो क्या उनको पैसे नहीं चाहिए? वो भी आपसे पैसा कमाएंगे। तो 5,000 रियाल जब जेब में हो तब आप कतर से दुबई, कतर, कुवैत जाने की सोचना, वरना भाई आपको प्रॉब्लम आ सकती है, वापस किया जा सकता है। जी हाँ, बाकी आपको पता ही है भाई आपके पास पूरा प्रोसेस होना चाहिए, आपका कोविड रिपोर्ट होनी चाहिए, आपके पास PCC होनी चाहिए, होटल बुकिंग अर्जेंट है, थर्ड कंट्री में जाते हैं तो आपको पता है कतर का एक ऐतराज ऐप है, उस पर पूरा प्रोसेस पहले आपको अपलोड करना होगा। आप चाहो तो आप मालदीव से भी जा सकते हो, दुबई, सऊदी, कहीं पर भी आप थर्ड कंट्री जाना चाहते हैं तो भाई मालदीव में भी पैसा आपको एडवांस रखना पड़ेगा, ये नहीं कि मालदीव वाले आपको फ्री में, वहां पर भी एडवांस पैसा चाहिए, 72 घंटे की रिपोर्ट, दोनों डोज, ये पूरा प्रोसेस आपके पास होना चाहिए। तो आपको बातें समझ में आ गई होंगी भाई। यही सरकार को हमारा नमन है कि वो गरीब लोगों के बारे में बिल्कुल भी अभी उनका मन नहीं है सोचने का, वो तब सोचेंगे तब उधर से पैसे कमा लेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा ना तब आप लोगों की उनको जरूरत पड़ेगी, तो हो सकता है फ्लाइटें ओपन कर दें, बाकी मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ होने वाला है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ।